माय डियर जीजा जी, आज तो आपको एकदम अहमदाबाद का रजवाड़ी खाना खिलाता हूँ। चलो आज मैं आपको ले जाता हूँ रजवाड़ू में, एकदम रजवाड़ी जायके वाला खाना खिलाने। एक मिनट भाई, रजवाड़ू में खाना खाने के लिए जेब में रजवाड़ी भी चाहिए है ना? क्या जीजा जी, आप भी अहमदाबाद में मैं आपको खर्चा करने दूंगा? कभी नहीं। पीड़ा है ना, और मुझे यकीन था कि आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये देखिए। एक मिनट, नजदीक से दिखा। असली है? कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ मेरे पास। हाँ ओके ओके जीजा जी, चलो बेना चलो। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन, 3 दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। कांकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान, माणिक चौक और रतनपौड़ में मस्ती का तूफान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान, अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान। जीजा जी आओ बेना। पापा वाह वीरा, मजा आ गया ना जीजा जी? अरे वाह, ये रजवाड़ू में जो भी आते हैं सबका स्वागत ऐसे ही होता है। माय डियर जीजा जी, स्वागत तो ऐसे ही होता है, पर आपके लिए खास डबल स्पेशल स्वागत करवाया है। ओहो, देखा देखा अहमदाबाद में मेरे सुंदर वीरा का कितना वोट है। हाँ भाई देखा न, और सालों से देखता ही आ रहा हूँ। अभी वोट देख के काम चलाने का या कुछ खाने को भी मिलेगा? आज आपके लिए खास डबल स्पेशल स्वागत करवाया है। आइए आइए, आपका रजवाड़ू में स्वागत है। थैंक यू मनीष भाई, ये है माय डियर जीजा जी और ये है माय डियर बेना। थैंक यू ये लीजिए कोमल भाभी। क्या फॉर्मेलिटी है? अरे नहीं नहीं फॉर्मेलिटी क्या है, आपको रखना पड़ेगा। रखिए रखिए और थैंक यू। मैंने आप सबको उस दिन ही बोला था कि रक्षाबंधन वाले दिन मैं आप सबको अपनी मनपसंद गिफ्ट दूंगा और आप सबको रखनी पड़ेंगी, मना करेंगे तो नहीं चलेगा, रखना ही पड़ेगा आपको। बबीता जी ये आपके लिए, माधी भाभी ये आपके लिए। नहीं 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 लेना पड़ेगा, आप मना करेंगे तो नहीं चलेगा, मुझे दुख होगा। लीजिए लीजिए प्लीज। थैंक यू। रोशन भाभी ये आपके लिए। अंजलि भाभी ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये अभी एक दया भाभी का रह गया है, हाँ। वो आएंगी तो फिर उनको दे दूंगा। पापड़लाल मेरा गिफ्ट, मुझे राखी बांधो तो अभी गिफ्ट देता हूँ। बराबर है। अरे यार भाई आपके लिए कल मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाऊंगा बस। नहीं नहीं पापड़लाल मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ये लोग मेरे को राखी बांधने के बाद तुम्हारे घर पे आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ। अच्छा क्यों ना आया तो। हेलो हेलो पोपटलाल जी। यस वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आप कौन बोल रही हैं? मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। अच्छा जिस फोन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वही से फोन है। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो। हेलो हेलो पोपट भाई फोन चालू है, बात कीजिए। हेलो 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 सर आप लाइन पे हैं? हाँ हाँ मैं लाइन पर ही हूँ और सुन भी रहा हूँ। आपने मुझे बोला था कि मेरे रिश्ते के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से इंक्वायरी आई है, तो वैसे यहाँ किसी का फोन नहीं आया, आपने भेजा नहीं किसी का? सर वही बताने के लिए फोन किया था कि हमसे छोटी सी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? आता कुठे माशी शिंकली, मतलब अभी क्या गड़बड़ हुई? सर दरअसल सारी इंक्वायरी पोपट लाल के लिए नहीं, पोपट सिंह नाम के हमारे दूसरे क्लाइंट के लिए थी। क्या? पोपट सिंह? कौन है ये पोपट सिंह भाई? कैंसिल करो उसको, आप कैंसिल करो, मेरा नाम आगे करो। सॉरी सर उनका रिश्ता तो ग्वालियर में पक्का हो गया है, लेकिन आपको हुई असुविधा के लिए हमें भारी खेद है। अगर आपके लिए कोई इंक्वायरी होगी तो हम आपको जरूर फोन करेंगे। हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। नहीं सुनिए सुनिए, नेक्स्ट टाइम का क्या मतलब है? आपको कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं है? किसी के दिल पर क्या बीतती है आपको मालूम है? हेलो हेलो मैडम सुनिए, हेलो काय झालं काय पोपट भाऊजी? क्या हो गया पोपटलाल भाई? तो मैरिज ब्यूरो वाली बोल रही है कि सारी इंक्वायरी पोपटलाल के लिए नहीं, किसी एक पोपट सिंह के लिए थी। अरे देवा, और उसका रिश्ता भी क्या हो गया? पोपटलाल भाई आप गुस्सा मत कीजिए, देखिए ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन अंजलि भाभी ये सारी गलतियां मेरे साथ ही क्यों होती है? मुझे पता है दुनिया में जितने मैरिज ब्यूरो हैं, वह सारे मैरिज ब्यूरो वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उन सबकी दुनिया हिला दूंगा। मैं आज आप सबके सामने ये प्रण लेता हूँ कि मैं सारे मैरिज ब्यूरो में अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल, एप्लीकेशन कैंसिल करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरी बात सुनिए। और उन सारे मैरिज ब्यूरो में मैं एक नई फ्रेश एप्लीकेशन करूंगा। आई बात बराबर छा, हिम्मत मत हारो, लड़ते रहने का आखिर तक। Always keep up your sportsman spirit. पापड़लाल लगे रहो, आर द बेस्ट। तो लगा ही रहूंगा ना, ऐसे थोड़ी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। मिठाई हो जाए। जीजा जी खाना कैसा लगा? अरे जबरदस्त। अरे राजवाड़ू में तो खाना मस्त ही होता है, ये कोई पूछने की बात है। वैसे कैसे है मनीष भाई? शिल्पा भाभी कैसे हैं? बस मजा में। मेरी याद देना। जीजा जी आज हमारे लिए स्पेशल समझाना ने खाना बुक किया है, सिर्फ हमारे अकेले के लिए। अच्छा थैंक यू मनीष भाई, मजा आ गया। थैंक यू। ओह वीरा बहुत बहुत खर्चा किया है तूने। मैं ना तुम खर्चा की फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम मस्ती से ये रजवाड़ी खाना खाओ। खा बिंदास खा। जीजा जी आप 8-10 दिन रुक गए होते तो। अरे क्या 8-10 दिन रुक जाते, मुंबई में बहुत काम है भाई। आज रात के हमारे गुजरात मेल की टिकट है, आज रात की आपकी ट्रेन की टिकट है। क्या बात करो, लाओ जरा ट्रेन की टिकट दिखाओ तो। क्यों? अरे मुझे दिखाओ तो सही, मुझे पता चला कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। अरे भाई कंफर्म है, देख ले, ले। कंफर्म है, कंफर्म है। अरे वाह, ये टिकट तो कंफर्म है। क्या क्या किया तूने? टिकट क्यों फाड़ दी? अरे क्या 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 जीजा जी, अरे आज रक्षाबंधन का दिन है जीजा जी, आप आते हो अहमदाबाद फ्लाइट से और फिर जाओगे ट्रेन से माय डियर बहना को लेकर। अरे जीजा जी, अहमदाबाद वाले लोग मुझे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि सुंदर जीजा जी पसंद करने में मार खा गया, एक नंबर के चिंगूस जीजा जी उसने ढूंढे। अरे भाई मैं तो नहीं 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 जीजा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आप लोगों को फ्लाइट से ही मुंबई भेजूंगा। भेजूंगा? भेजूंगा? हाँ भेजूंगा। बोलो। अरे वीरा, इतना खर्चा क्यों कर रहा है? अरे करने दे भाई, करने दे, रक्षाबंधन साल में एक ही बार तो आता है। कर कर भाई कर, तो अभी कभी भाई फोन कर, मंगल ने 2 टिकट प्लान किया आज रात की है। जीजा जी आप फ्लाइट की टिकट की चिंता बिल्कुल मत करो, वो हो जाएगी। आप मस्ती से ये रजवाड़ी खाना एकदम एंजॉय करो, खाओ खाओ। अरे आज तो डबल खाना खाऊंगा, बिल तू जो दे रहा है। आज तो सुंदर के पैसे से खाने का मजा आ रहा है। जलेबी दूं? लाओ लाओ, पूछ क्या रहा है भाई, डाल डाल बिंदास। अरे सुंदर भाई आप, अरे जलेबी तू, तू तो रजवाड़ू छोड़ के गांव चला गया था ना, वापस आ गया। भले पधारे हो भाई, भले पधारे हो। अरे सुंदर भाई वो मेरे 15,000 रुपए तो वापस दो। जलेबी मैं जब भी रजवाड़ू आता हूँ तो तेरे 15,000 रुपए मैं जेब में लेकर ही आता हूँ। हाँ तो दो। जीजा जी उसको 15,000 दे दीजिए ना। अरे भाई वो तुझसे मांग रहा है। हाँ वो मुझसे ही मांग रहा है, लेकिन सुबह आपने मुझसे जो 15,000 रुपए लिए थे ना, उसमें से आप उसे पैसे दे दीजिए। 15,000 में से 15,000 दे दो। अगर आपको 15,000 में से 16 देना है तो 16,000 दे दीजिए। वीरा का व्यवहार एकदम चक्का होता है, वीरा हो तो ऐसा। ले 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 भाई ले ले, जीजा जी के हाथ में जश रेखा है, ये पैसा तेरे को फड़ेगा, ले ले ले। आभार हो, आभार, जलसा कर। खाइए जीजा जी, खाइए। छाछ लीजिए ना, छाछ मंगो। जिंदगी भर का खा लिया आज मैंने, नवड़ाओ भाई, हाथ धुलाओ। मजा आ गया जीजा जी? अरे जबरदस्त, ऐसा मजा तो किसी रक्षाबंधन में। हाँ लाइए। $15,000? 5,000 की एक थाली है यहाँ पे? अरे नहीं नहीं जीजा जी, थाली तो सिर्फ यहाँ 500 रुपए की है। तो फिर 15,000 किस बात के? अरे बिल में कोई गलती हो गई होगी। एक मिनट मुझे देखने दो, कुछ गड़बड़ हुई लगती है। देख वीरा, तेरी पसीने की कमाई है। 500 रुपए की 3 थाली, 1500 रुपए और ये 13,500 रुपए आपके स्वागत के हो गए, 15,000 रुपए। हाँ अरे जीजा जी, स्वागत के 15,000 तो लगेंगे ही ना। देखो राजस्थान से और कच्छ से उन्होंने वो सब कलाकार मंगवाए, वो गीत संगीत उसका चार्ज, और फिर 7 માટला लेके वो बहन ने डांस किया, वो सब मिला के। जीजा जी मैं बोलता हूँ ना, मनीष भाई ने हमें डिस्काउंट दिया है, बोलो। अरे जीजा जी, मनीष भाई ने मेरी 2 आंख की शर्म रखी है, वरना ये स्वागत 20,000 रुपए का होता है। जीजा जी एक काम करो, अभी ये आप बिल पे कर दो, आप मुंबई पहुंचोगे ना उसके पहले मैं ये पैसे मुंबई भिजवा दूंगा। वीरा 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 का व्यवहार एकदम चोखा होता है। थैंक यू वीरा, ये समधुन जिंदगी भर याद रहेगी। मुझे भी। और जीजा जी, वो फ्लाइट के पैसे जरा बचा के रखना। अब मुंबई पहुंचोगे उसके पहले वो पैसे भी मैं भिजवा दूंगा। वीरा वीरा, काश सब लोग तुम्हारे जितने व्यवहारू होते तो। ये किस टाइप के भाई बहन हैं? घर पहुंच गए। अच्छा हुआ आकाश में ट्रैफिक नहीं था, वरना और लेट हो जाते। फालतू जोक मत मार, लाइट चालू कर। अरे ये क्या? बापूजी यहाँ सोए? चिल्लाना मन, बापूजी की नींद खराब हो जाएगी। एक काम कर, लाइट बंद कर, हम भी चुपचाप सो जाते हैं। हाँ। कल सुबह बात करेंगे। हाँ, हाँ। जेठा दया, बापूजी। तुम दोनों? अरे लेकिन तुम दोनों तो ट्रेन से कल सुबह आने वाले थे ना? हाँ बापूजी, लेकिन सुंदरीला ने कहा कि अगर आप लोग अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन में जाएंगे तो उसकी नाक कट जाएगी, तो उसने हम लोगों को प्लेन से भेजा। हाँ भेजा सुंदर ने, लेकिन टिकट के पैसे मैंने दिए। बापूजी आप यहाँ सोफे पे क्यों सोए थे? हाँ। अरे वो गोली आया है तो रूम में टप्पू और गोली सोए, इसलिए मैं यहाँ सो गया। गोली आया है तो टप्पू भी मांड मांड सोया होगा नहीं पलंग पे? हाँ। और बहू, तूने अपने सुंदर वीरा को समय सर मुहूर्त पे राखी बांध ली ना? हाँ बापूजी, सुंदर वीरा का दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी तेज है। उसने सीधा हमें रिवर फ्रंट पर ही बुला लिया था। बापूजी, इस साल का रक्षाबंधन तो दया के लिए एकदम यादगार हो गया। आपको पता है दया ने सुंदर को राखी कहाँ बांधी? कहाँ? साबरमती नदी के बीचों बीच। हैं? नदी के बीचों बीच मतलब तैरते तैरते राखी बांधी? नहीं नहीं बापूजी, बोट में। वो क्या है, हम इस किनारे से बोट में गए। उस किनारे से बोट में आया। और जैसे मध दरिया होता है ना, वैसे मध नदी में बीच में हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाई। रोको 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 रोको। वीरा वीरा चलो, मतलब रक्षाबंधन सुख रूप रहे हैं। हाँ बापूजी। ओ, ये हमारे देश में जो रिश्तों का बंधन है ना, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। हाँ बापूजी। और फिर सुंदर वीरा हमें खाना खिलाने रजवाड़ू में ले गया। पूरे 56 भोग थे। अरे वाह। रजवाड़ू में खाना खिलाने सुंदर ले गया बापूजी, लेकिन फिर वहाँ बिल मैंने दे दिया। चलो सो जाते हैं, इतनी नींद आ रही है, यहाँ मैं खड़े खड़े सो जाऊंगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, वरना जेठिया कल सुबह तो फिर देर से उठेगा। नहीं नहीं, टाइम पे उठ जाऊंगा बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आखिरकार तमाम बाधा और परेशानियों के बावजूद भी दया भाभी ने साबरमती के किनारे पे अपने भाई सुंदर वीरा को राखी बांधी थी। बहुत प्रयास किए उनके लिए, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में तो ऐसे ऐसे उदाहरण है जब बहनों ने भाई को युद्ध के मैदान में जाके भी राखियां बांधी है। मित्रों, ये त्योहार ही इतना अनूठा है और मुझे गर्व है मेरे देश भारत पर, जहाँ इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जहाँ भाई बहन का प्यार छुपा हो। एक बहन और भाई की बातचीत हो रही थी तो भाई ने बहन से पूछा कि बताओ प्यार किसे कहते हैं? तो बहन ने कहा तुम बताओ प्यार किसे कहते हैं? तो भाई कहने लगा तुम्हें मालूम है कि मैं रोज तुम्हारी चॉकलेट खा जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसी जगह पे चॉकलेट रख देती हो। ये प्यार है, ये भारत है दोस्तों, जहाँ इतने सारे अनूठे रिश्ते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, जीजा साले का रिश्ता है, और इन रिश्तों की महक के बीच हिंदुस्तान बसता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इतने खूबसूरत त्योहार हम बनाते हैं, और हर त्योहार के पीछे एक कहानी, एक तत्व ज्ञान है, और यही तो तारक मेहता है कि हंसी और ठहाकों के साथ हम आपको थोड़ा सा ज्ञान भी देते चले। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।